press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. है गाइस, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही दोस्तों, आपने थंबनेल देखा बिल्कुल सही। लैब टेक्नीशियन के अंदर दोस्तों भर्ती निकलने वाली है। अब कब निकलेगी ये कोई फिक्स नहीं कह सकते, पर दोस्तों आप देख लीजिए ये न्यूज़पेपर का है जो दोस्तों 3 दिसंबर 2019 को ही आया है पेपर के अंदर। तो आप देख लीजिए, आपके सामने है लैब टेक्नीशियन भर्ती जल्द पूरी करने का स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दिया आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही, रघु शर्मा ने आश्वासन दिया है, स्वास्थ्य मंत्री है जो हमारे। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकलेगी, और जिसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर आपकी DMLT क्लियर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर निकलती है वैकेंसी तो। तो दोस्तों ऐसे में अब आपका कोर्स अगर रनिंग है, फर्स्ट ईयर वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये अभी कोई फिक्स नहीं है कि सेकंड ईयर पूरी होने के बाद ही आप पढ़ सकते हैं, यह भी अभी कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों वैकेंसी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोस्तों काम तो हर जगह करना ही है आपको। उससे पहले दोस्तों अगर वैकेंसी नहीं है और आप DMLT क्लियर कर चुके हैं तो आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते रहिए, आप उस जॉब को मत छोड़िए इस गवर्नमेंट वैकेंसी के चक्कर में अभी फ़िलहाल के अंदर। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप और से भी तैयारी कर सकते हैं। आपका जो भी रिवीजन है आप लगातार करते रहिए दोस्तों। और साथ ही साथ में अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर हैं तो दोस्तों आप बैग बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि दोस्तों आपके बैग लाने से क्या नुकसान होगा आपको मैं बता दूं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आपकी गवर्नमेंट जॉब को होकर होगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर दोस्तों क्या नुकसान है कि अगर आप कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर कि 60% ऊपर या नीचे, अभी कोई फ़िलहाल वैकेंसी के अंदर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कैसे लिया जाएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन रहेंगे, बाद में वैकेंसी निकलने पर ही पता चलेगा। पर उससे पहले आप ये तो आशा है कि आप कोई भी बैग ना लाएं, क्योंकि इस कोर्स को सबसे लंबा सफ़र चलता है इस कोर्स के अंदर। तो आप बैग लाते हैं तो आपको टाइम शायद निकल सकता है, आप वैकेंसी के अंदर आप एबिलिटी नहीं हो सकती, आप वैकेंसी के अंदर फॉर्म नहीं भर सकेंगे अगर आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है DMLT तो। दोस्तों क्योंकि अगर बैग लग गई तो आपको क्लियर नहीं होगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएंगे। या दोस्तों आज की वीडियो में